हम राजस्थान के एक ऐसे हॉन्टेड गांव में जिसे रातों रात बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, हम है कुलधारा विलेज जैसलमेर में। देख सकते हो ये गांव पूरा खंडर पड़ा है। कहा जाता है कि यहां पर पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। तो उस गांव का जो दीवान था टैक्स कलेक्टर सलीम सिंह, उसको एक गांव की लड़की पसंद आ गई थी एंड वो लड़की सरपंच की लड़की थी। एंड सरपंच इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था, उसने मना कर दिया। तो सलीम सिंह ने धमकी दी कि वो गांव पर अटैक करेगा एंड इवन गांव पे जो भी टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जो कि ऑफकोर्स गांव वालों को अफोर्डेबल नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रातों रात 5,000 से ज्यादा फैमिलीज इस गांव को छोड़ देंगी एंड जाते जाते गांव को शराब भी दिया कि कोई भी यहां पर रह नहीं पाएगा। और भी बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे यहाँ पर कालो बोल के एक चुड़ैल थी जो कि बच्चों को अगवा करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि गांव में पानी की बहुत समस्या थी इसलिए गांव वालों ने छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग भी हुई, जैसे एजेंट विनोद मूवी में किसी दूसरे देश में टेररिस्ट का अड्डा बताया गया था इस जगह को। इवन बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे। एनीवेज आपका क्या ख्याल है इस गांव के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड मोर इन ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब।